नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनएन न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। ये पीछे की तस्वीर देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कहां पर हैं। हम जबरावित्ता अंडरपास में है, जहां पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। ये जबरावित्ता अंडरपास की स्थिति अभी से नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ से जो यातायात करते हैं, उन्होंने कई बार इस पर आवाज उठाई कि ये जो जबरावित्ता अंडरपास है, इसका कोई तो समाधान निकाले। और आखिरकार समाधान निकल ही गया, आखिरकार काम शुरू यहाँ पर अब होने ही वाला है। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पे इस यहाँ से गाड़ी गुजरती है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ से गाड़ी गुजरती है, तो यहाँ की जो रास्ता है वो तो बिगड़ना है ही। और यहाँ पे जो सामने जो मैनहोल है, जो मैनहोल आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा मैनहोल, उसके वजह से यहाँ पे पूरा साल, बारिश तो छोड़िए, बिना बारिश में भी यहाँ पे पूरा पानी जमा होता है। और यहाँ पे देखिए, बड़े बड़े गाड़ी की वजह से यहाँ पे इस तरह से जाम की तो समस्या हमेशा से ही लगता है। जाम की जो समस्या है वो यहाँ पे हमेशा ही लगता है। उसके साथ साथ यहाँ से जो यातायात करने वाले, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में ही, यानी कि 16 नवंबर से ही स्कूल, विद्यालय, जितने भी जो विद्यालय है वो खुल चुकी है। यहाँ से जब बच्चे यातायात करते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। अभी भी बिना बारिश में भी यहाँ पे इतनी गड्ढा है, यहाँ पे अभी भी पानी जमा हुआ है। तो कल ही जो SJDA के चेयरमैन है सौरभ चक्रवर्ती, वो यहाँ पे परिदर्शन करने के लिए आए थे, यहाँ देखने के लिए आए थे। और उन्होंने यहाँ पे सब देखने के बाद ये कहा कि लगातार ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़े होंगे और एक रोड बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद में मरम्मत किया जाएगा। वो मरम्मत करने के बाद दूसरे रोड पे, क्योंकि अगर दोनों ही रास्ता, दोनों ही सड़क एक बार में बंद किया जाए तो यातायात के लिए और ज़्यादा परेशानी होगी, लोगों को और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये परेशानी अब से नहीं है। और आखिरकार इसका समाधान निकल ही गया। ये जबरावित्ता अंडरपास एकमात्र एक ऐसा अंडरपास है जहाँ पे कल सौरभ चक्रवर्ती, जो SJDA के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि इसको ना ऊंचा किया जा सकता है ना इसका कुछ और समाधान है, क्योंकि अगर इसको थोड़ा ऊंचा किया जाए तो ऊपर में रेल का लीक है, तो वहाँ पे लिए जो बड़े बड़े गाड़ी यहाँ से यातायात करते हैं उनके लिए परेशानी बन सकती है। और ये जो मैन होल है, यहाँ पे पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है, सामने पूरा प्रशासन वहाँ पे खड़ी है ताकि अगर कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे वो और ये जो मैनहोल है, यहाँ पे कई सारे ऐसी घटना है, यहाँ पे गाड़ी गिरी है, यहाँ पे जो लोग हैं वो गिरे हैं। यहाँ पे जो आप एक बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पे सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी उन्नयन कृति पोखर उद्योगी उसी टर्मिनल है, ये टर्मिनल बनाया गया था। जहाँ पे ये 5 फरवरी 2005 को बनाया गया था। में जब अशोक भट्टाचार्य SJDA के चेयरमैन थे तब यहाँ पे ये बनाया गया था। उसके बाद से यहाँ पे मरम्मत तो होती रही लेकिन असल मरम्मत कभी नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे घटना के बाद घटना। और ये ऐसी बाइपास है जहाँ पे जो जलपाईगुड़ी के लोग आते हैं वो सीधा
एनजीपी जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा है जहाँ पे जो जलपाईगुड़ी के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे सीधे एनजीपी से इसी रास्ता से उनको सुविधा होती है क्योंकि ये शॉर्टकट है उनके लिए। लेकिन उस रास्ता का हाल आप एक बार देखिए, ये मैन होल ही इतना बड़ा है और सिर्फ बारिश के समय में नहीं, बारिश के समय में तो ये पूरा ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा नदी बन चुका है, इतना ज्यादा बारिश। और ऊपर से इतने बड़े बड़े जो गाड़ी यहाँ से यातायात करती है, यहाँ से चलती फिरती है, उसका तो अलग ही है। ये देखिए अभी भी यहाँ पे ज्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी पानी है, लोगों को अभी भी यातायात करने में मुश्किल होती है। और ऊपर से 16 नवंबर से जो विद्यालय खोली गई है उसके वजह से जो बच्चे हैं उनको ज्यादा तकलीफ होगी यहाँ से यातायात करने में। मैनहोल की बात करें तो मैनहोल की जो पानी है, पानी से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कितनी गंदी है और बदबूदार, तो आप इतनी बदबू है। ऊपर से जहां पे प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि डेंगू मलेरिया को लेकर जितने भी जो प्रोग्राम्स कर रही है, ऊपर से ये मैनहोल, यहाँ के जितने भी जो स्थानीय वासी है उन्होंने तो आवाज उठाते उठाते उनका आवाज तो दब ही गया है, क्योंकि ये अभी का जो समस्या नहीं है, ये सालों सालों से ये एक ही समस्या है जबरा भिट्टा अंडरपास का। और जीवीएनए ने लगातार ही आपको दिखाया है कि जबरा भिट्टा अंडरपास का क्या स्थिति है बारिश के समय में, बरसात के समय में और अभी का समय में। अभी भी यहाँ पे अभी भी पानी जमा हुआ है और इतने बड़े बड़े जो गाड़ी चलती है यातायात करती है वो अलग है। तो आपने ये पूरा दृश्य तो देख ही लिया होगा। उसके साथ साथ आप सभी के लिए खुशखबरी तो है ही कि एसजेडीए के चेयरमैन कल यहाँ पे परिदर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने देखा और यहाँ पे जो स्थिति देखी उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि एक रास्ता बंद कर दिया जाएगा और दूसरा रास्ता में जो रास्ता बंद कर दिया जाएगा उसमें काम शुरू किया जाएगा, उसके बाद में दूसरा रास्ता का यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, यानी कि अब जल्द ही यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और प्रशासन को वहाँ पे रखा गया है ताकि अगर कोई भी समस्या हो तो फिर प्रशासन यहाँ पे तैनात है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवीएनए न्यूज सिलीगुड़ी। धन्यवाद।